दोस्तों नमस्कार। जोस बटलर की अगुवाई में इंग्लैंड की टीम ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब दूसरी बार जीता है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह तीसरा वर्ल्ड कप खिताब है इंग्लैंड का। और 1975 में जो वनडे का वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक सिर्फ एक मौका ऐसा आया 2019 में जब इंग्लैंड की टीम ने वनडे का वर्ल्ड कप जीता था, और 2010 के बाद ये दूसरी कामयाबी है T20 वर्ल्ड कप में खिताब जीतने की। और तब पॉल कॉलिंगवुड जो है 2010 में टीम के कप्तान थे और यॉन मॉर्गन थे 2019 में और अब जोस बटलर। और अगर हम तीनों टीमों का एक आकलन करें तो उसमें अगर देखा जाए तो 2010 की टीम और 2019 की टीम ज़्यादा बैलेंस मुझे टीम दिखाई दे रही है। लेकिन कहते हैं ना, जो हमारे सुमीर वही काम 2022 में कर दिखाया इंग्लैंड ने, क्योंकि कई दिग्गज खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में ये काम जो है मुमकिन हो पाया है। 2010 की अगर हम टीम देखें तो पॉल कॉलिंगवुड टीम के कप्तान थे और रियान साइड बॉटम थे जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे। टिम ब्रिसनन थे टीम में, स्टुअर्ट ब्रॉड थे, साथ ही ग्रेम स्वान जो है स्पिनर के तौर पर जाने जाते हैं, माइक लगार्थी थे। और उसके अलावा बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो केविन पीटरसन, कॉलिंगवुड खुद कप्तान और मॉर्गन थे, ल्यूक राइट थे और क्रिस वेटर थे जिन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 63 रन की बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी की थी और टीम जो है विजयी रही थी 2010 में, पहली बार जो है टाइटल जीतने में कामयाब रही थी वर्ल्ड कप का इंग्लैंड की टीम। उसके बाद अगर हम 2019 की बात करें, यॉन मॉर्गन टीम के कप्तान थे और 2015 से ही कायाकल्प शुरू हो गई थी इंग्लैंड टीम की। व्हाइट बॉल क्रिकेट में इस टीम ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई थी और जोफ्रा आर्चर जैसे तेज गेंदबाज इस टीम में मौजूद थे और साथ ही क्रिस वोक्स थे जो इस बार भी मौजूद हैं, एक तेज गेंदबाज थे, प्लंकेट हुआ करते थे आपको याद होगा, मार्क वुड थे, लेकिन जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस बार जो है चोटिल हो गए और सेमीफाइनल और फाइनल में नहीं खेल पाए, लेकिन तब वो टीम के सदस्य थे। और आदिल रशीद थे, बेन स्टोक्स थे, और बल्लेबाजों की बात करें तो उस वक्त जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो और बेन स्टोक्स और जोस बटलर, ये सब बल्लेबाज हुआ करते थे, जहां बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी का परिचय दिया था बटलर और बेन स्टोक्स ने, खासकर फाइनल मुकाबले में। और बेन स्टोक्स ने 84 रन की शानदार पारी को अंजाम दिया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, और वहीं बटलर ने 59 रन बनाए थे शानदार तरीके से। और वहीं 2022 का अगर हम इसके मुकाबले तुलना करें, जोस बटलर टीम के कप्तान है लेकिन हेल्स के साथ उनकी जोड़ी फाइनल में तो खास कुछ कमाल नहीं कर पाई, लेकिन सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ जो है पूरी जितनी भारतीय टीम ने स्कोर किया था अकेले ही इस जोड़ी ने वो कमाल कर दिखाया। और उसके अलावा जो रूट थे जो रूट उस टीम में थे 2019 की, लेकिन इस बार वो टीम में शामिल नहीं थे क्योंकि ना उनको T20 के खेलने के लायक नहीं समझा जाता। अब बेन स्टोक, हैरी ब्रोक, लिविंगस्टोन, लेकिन अगर आप देखेंगे ना इस टीम में तो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को ज़्यादा मौका मिला नहीं, और करीब 61% टीम के रन जो है वो 61% जो है वो बटलर और हेल्स ने ही बनाए हैं। और वहीं अगर हम इसके गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों में क्रिस वोक, सैम करन, आदिल रशीद, बेन स्टोक्स और क्रिस जॉर्डन को हालांकि बहुत ज़्यादा मैच खेलने को नहीं मिले, और लिविंगस्टोन भी एक पार्ट टाइम बॉलर थे, आदिल रशीद तो खैर बहुत शानदार प्रदर्शन किया ही, और मोइन अली हैं टीम के अन्य सदस्य, लेकिन ये इन्हें गेंदबाजी इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में नहीं की और बल्लेबाजी में भी कुछ खास इनके लिए ये प्रदर्शन बहुत उत्साहवर्धक रहा नहीं। लेकिन वही है कुल मिलाकर, पॉल कॉलिंगवुड, यॉन मॉर्गन और बटलर की जो टीमें थीं उनमें से कौन सी टीम आपको ज़्यादा आकर्षक लगी, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, क्योंकि उपलब्धियां तो तीनों ने हासिल की हैं लेकिन लिमिटेड रिसोर्स में जो उपलब्धि हासिल की है बटलर ने वो वास्तव में काबिले तारीफ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।